नमस्कार, मैं रचना शर्मा, चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। अब तक 1888 लाभार्थी ले चुके हैं चिरायु हरियाणा योजना का लाभ। कल मुख्यमंत्री 10 लाख लाभार्थियों को वितरित करेंगे चिरायु कार्ड। भिवानी में जेजेपी के 5वें स्थापना दिवस पर सम्मान रैली का आयोजन। रैली में पहुंचा सैकड़ों लोगों का हजूम। 270 किस्मों के फूलों से महका चंडीगढ़। सांसद किरण खेर ने किया गुलदाउदी शो का उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में अंत्योदय परिवारों के अच्छे स्वास्थ्य के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप शुरू की गई चिरायु हरियाणा योजना लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। 21 नवंबर को योजना शुरू होने के बाद अब तक 1888 लोग इसका लाभ ले चुके हैं। प्रदेश के लगभग 28 लाख अंत्योदय परिवारों को इस स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलेगा, यानी 125 करोड़ हरियाणवी इससे लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री का विजन है कि प्रदेश के अंत्योदय परिवार बेहतर इलाज से वंचित ना रहे। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल यानी 10 दिसंबर को 10 लाख लाभार्थियों को नए चिरायु कार्ड वितरित करेंगे। यह कार्ड प्रदेश के 1600 गांवों और सभी शहरी क्षेत्रों में आयोजित कार्ड वितरण शिविरों के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ऑनलाइन माध्यम से इस शिविरों का संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य लाभ प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि 31 दिसंबर तक सभी को ये कार्ड मिल जाएंगे। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ठांडा ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चेताया। उन्होंने कहा कि सही बातचीत में व्यवहार न करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकारी व कर्मचारी लोगों की शिकायतें सुनते हुए सही ढंग से बात करें व बातचीत का व्यवहार ठीक रखें। यदि अधिकारी एवं कर्मचारी लोगों से सही ढंग से बातचीत नहीं करेंगे या बातचीत का ढंग गलत रखेंगे तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के हित में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। व्यवहार तो अच्छा ही होना चाहिए। मैंने तो सभी अधिकारियों को बोला है कि अगर कोई शिकायत करता आपके पास आता है तो उनकी शिकायत सुने और उनसे आराम से बात करें। अब कोई भी शिकायत पहले तो दुखी है, अगर ऊपर से उसके साथ ठीक बात नहीं किया जाए तो उसको डबल दुखी हो जाए। तो मैंने यही सभी को बोला कि जो शिकायत करता है ठीक से उनको ठीक करें, उनकी बात सुने। दो राज्यों में जो विभाग है बाल कल्याण विभाग, तो किस तरह की जो नई योजना है जो बच्चों की? देखिए, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं मेरे पास। महिलाएं बाल विकास विभाग और बच्चे और महिलाएं बहुत ही हैं, लड़ी है तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अच्छी योजनाएं इसमें चलाई, उनका विशेष करके ध्यान दिया। वो खास प्राइम योजना मुख्यमंत्री जी के जो आपकी विशेष योजना, क्या कर रहे हैं आप उसको? देखिए, एक पीछे हमारी 2020 में मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, जो हम 6 फ्लेवर का दूध बच्चों को और महिलाओं को दे रहे हैं आंगनबाड़ी सेंटर में, और बड़ा अच्छा उसको पसंद करें, बड़ी अच्छी स्कीम है उसको लागू किया। और एक मुख्यमंत्री महिला किशोरी सम्मान योजना, जो बीपीएल परिवार की महिला और किशोरी है उनको सैनिटरी नैपकिन देने का काम के लिए एक बहुत अच्छी योजना है। और भी बहुत सारी योजना जो लगातार पूरे अच्छे से हम उसको चला रहे हैं। कलाट की कपिल मुनि धरा पर जेजेपी बुद्धि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुरेश राणा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के काफिले से भिवानी जेजेपी के 5वें स्थापना दिवस सम्मान रैली में शिरकत की। इस अवसर पर सुरेश राणा ने अपने संबोधन में कहा कि भिवानी में जो सम्मान रैली आयोजित की है उसमें लाखों लोगों की भीड़ इतिहास रचने का काम करेगी। सुरेश राणा ने आगे कहा कि आने वाले 2023 के हरियाणा विधानसभा के चुनाव में मुखर होकर सत्ता पर काबिज होगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जेजेपी के 10 विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं, जिनकी सरकार में भागीदारी है, और जेजेपी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं, जो गरीबों के हकों की पैरवाई कर उनके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। 9 दिसंबर 2022 को भिवानी में जन नायक रैली चौधरी देवीलाल की जो स्थापना की थी, उस उपलक्ष्य में हमारा 5वां स्थापना दिवस है। उसमें कलायत से सैकड़ों वाहन और सैकड़ों
कार्यकर्ताओं के साथ हम भिवानी रैली में जा रहे हैं। वही बात है, जैसे चौधरी देवीलाल ने जो कहा वो किया, उसी पथ पर श्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी चल रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा था 75% युवाओं का रोजगार वो किया, और महिलाओं का 50% आरक्षण पंचायत में किया, और बीसी का कोटा हमारे पहले नहीं था, ये दुष्यंत चौटाला जी ने अब लागू किया। और भिवानी में जो 9 दिसंबर 2018 को पांडु पंडारा में रैली हुई थी, उससे बहुत भारी जनसमूह भिवानी रैली में पहुंचेगा, और चौधरी देवीलाल के नारे लगा रहे हैं सभी हमारे कार्यकर्ता। आने वाले समय में हमारे भावी मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी के सिर पे हमारा साथ लगेगा, और हम सभी कार्यकर्ता साथी हम बहुत ही जोश और से भिवानी रैली में पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद कालका विधायक प्रदीप चौधरी, पवन कुमारी शर्मा, आशीष सिंगला ने कालका काली माता मंदिर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ माथा टेका। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक में लड्डू बांटे। प्रदीप चौधरी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जो जीत हासिल की है, उसके लिए हिमाचल के मतदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। प्रदीप चौधरी ने कांग्रेस पार्टी के विजेता प्रत्याशियों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई दी। प्रदीप चौधरी ने कहा कि आने वाला समय निश्चित रूप से कांग्रेस का होगा। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करके जो जीत हासिल की है, इसके लिए हिमाचल के मतदाता का मैं बहुत बहुत मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं, और उन्हें हार्दिक मुबारकबाद शुभकामनाएं। जो हमारे प्रत्याशी जीत कर आए उनको बहुत बहुत बधाई हो, और हिमाचल कांग्रेस पार्टी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे यहाँ से साथ रखते दून क्षेत्र से हमारे राम कुमार जी जीते हैं, और विनोद सुल्तानपुरी जी हमारे साथ रखते परमाणु से जीते हैं, और अर्की से भी जो हमारे प्रत्याशी थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने भी अच्छी जीत हासिल की है। और इसी तरह सभी प्रत्याशियों को हम हार्दिक मुबारकबाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और निश्चित रूप से जो फैसला हिमाचल की जनता ने किया है उसके लिए उन बहुत बहुत हम उनका आभार जहां व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद शुभकामनाएं हिमाचल वासियों को, और एक अच्छी सरकार का गठन होगा, छत्तीस बिरादरी का कल्याण होगा, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। चंडीगढ़ में गुलदाउदी शो का आगाज हो चुका है, जिसका शुक्रवार को सांसद किरण खेर ने उद्घाटन किया। गुलदाउदी शो सेक्टर 33 स्थित टेरेस गार्डन में आयोजित किया जाता है। इस शो में आने वाले लोगों को यहाँ फूलों की कई किस्मों की जानकारी दी जाएगी। फूलों से महकते इस गार्डन में भिन्न भिन्न प्रजातियों के फूल देखने को मिलेंगे। इस बार शो में 270 किस्मों के फूल दिखाई देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं जब भी आती हूँ आई फील वेरी गुड, वेरी प्राउड, वेरी हैप्पी। हॉर्टिकल्चर में तो हमारी सिटी इज अमंगस्ट द फर्स्ट सिटीज इन द कंट्री, वेरी गुड। गुरप्रीत माइक नहीं आ रहा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। मैम, इस बार जो है प्लास्टिक फ्री इस इवेंट को बनाने के बारे में जो इनिशिएटिव लिया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, घरों को भी हमको थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। बड़ा मुश्किल हो जाता है प्लास्टिक की थैली के बिना जिंदा रहना, फिर जो पैकिंग करनी हो, ये करना हो, वो करना हो, तो हम पकड़ते ही, तो भी एक कोशिश हमारी तरफ से अवॉइड करने की। अलग अलग इनिशिएटिव लिए गए चंडीगढ़ प्रशासन से, आपने काफ़ी कुछ देखा, तो आपको कौन सा इनिशिएटिव सबसे अच्छा लगा? रिंग घूम रही है, अलग अलग इनिशिएटिव जैसे चंडीगढ़ प्रशासन कर रहे हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, आप इधर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, प्रशासन बोर्ड में कर कॉर्पोरेशन ने बहुत अच्छा काम किया है, दे डूइंग वेरी वेल, और जितने भी इन्होंने इनिशिएटिव किए हैं, जैसे वो उसने फूलों के बीच से मंदिर से उठा के फूलों का बीज, उससे अगरबत्तियाँ बना रहे हैं और स्टैंड बना रहे हैं, बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मतलब एनआईटी फरीदाबाद के एक नंबर में रहने वाले एक शख्स ने सूदखोर से परेशान होकर अपने ऊपर तेल छिड़क कर खुद को आग लगा ली। आग लगाने के चलते शख्स बुरी तरह से झुलस गया, जिसके बाद उसे आनंद फानंद में फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में भर्ती कराया गया, लेकिन शख्स की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। गौरतलब है कि आग लगाने से पहले उस शख्स ने पुलिस कमिश्नर के नाम एक लेटर लिखा और व्हाट्सएप पर वायरल कर अपने आप को आग के हवाले कर दिया। बिजू है, वो परेशान कर रहा था। कौन है, कहाँ का बिंदु?
पूरी घटना क्या है, क्यों परेशान कर रहा था, क्या लेन देन था? पैसे लिए थे 5 साल से 50,000 रुपए ब्याज ले रहा था, हमने उसके घर भी बिकवा दिया, उसने हमारा सारा पैसा भी दे दिया, फिर भी जान नहीं छोड़ रहा था। उसने ना डरा के ना गाड़ी भी निकलवाई है 17 लाख की, और कह रहा किस्त तू भरेगा सारी चीजें, कहाँ से किस्त भरे बताओ जब कमाई नहीं है तो। और वो डरा रहा था, आज उसी का फोन आया था, उसी ने बुलाया था, कह रहा जरा मिलने आ जा, और मिलने के बाद तो ये कांड हो गया। कहाँ बुलाया था मिलने के लिए? गगन गगन जो हॉल था वहाँ पर, गगन हॉल पे। फिर उन्होंने आग कहाँ लगाई, किसने लगाई है, इन्होंने लगाई है, उसने लगाई है, पता नहीं हमें तो। क्या धमकाया, क्या क्या बोला उसने जाने। कितने का लेन देन था? कुछ भी नहीं था, नाम के लिए पैसे दो, और इतना ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज बना। फिर भी कितने लिया हुआ था ना, कब से ब्याज दे रहे हो आप? 5 साल से ब्याज दे रहे हैं उसको। कहाँ का रहने वाला है? सेक्टर 56 का। क्या नाम क्या बताया उसका? ब्रजेश कुमार शर्मा। करनाल के डेरा कार सेवा गुरुद्वारा में संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में देश भर के करीब 17 राज्यों के किसान नेताओं ने शिरकत की। करीब 5 घंटे तक चली इस बैठक में फसलों की MSP और किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज केसों सहित कई अन्य प्रमुख मांगों पर किसान नेताओं ने चर्चा की। कुछ अन्य किसान संगठनों के सदस्य मीटिंग में मौजूद नहीं थे, इस वजह से आगामी फैसले के लिए 24 दिसंबर को दोबारा करनाल में मीटिंग बुलाने का निर्णय हुआ। मीटिंग से बाहर आए किसान नेताओं ने कहा कि आज कुछ किसान संगठन किसी कारणवश मीटिंग में नहीं पहुंच पाए, जिनको लेकर अगली मीटिंग 24 दिसंबर को करनाल में रखी गई है। किसान नेताओं ने कहा कि SKM कोई दोफार नहीं हुआ है, स्वरूप आज भी वही है जो किसान आंदोलन के दौरान था। बैठक में 26 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन पर सहमति बनी, इसका प्रारूप 24 दिसंबर की बैठक में तय होगा। कैपिटल के ऊपर एक्शन हुआ है तकरीबन 25 स्टेटों में, वो बहुत कामयाब हुआ है, कहां पर छोटा हो गया कहीं बड़ा हो गया, लेकिन सारे हिंदुस्तान के अंदर 26 नवंबर का MSP की दिल्ली में रैत मोर्चे की रह रही मांगों के ऊपर जो प्रदर्शन हुए हैं, तो मोर्चा टूट गया है, खिंड गया है, इस बात को स्थापित किया है कि कहीं नहीं गया संयुक्त मोर्चा। जो लोग मोर्चे से जो सरकार के बात में गमराह हो गए हैं वो मोर्चे से टूटकर अलग चले गए हैं, लेकिन जो वफादारी से पहले से आंदोलन लड़ रहे थे वो सारे के लोग एक हैं, और उनके साथ सारी जनता है, सारे लोग हैं। वो अगला आंदोलन जो है वो लड़ने के लिए आज तैयारी की मीटिंग थी, वो अगली मीटिंग जो है उसके ऊपर कुछ जथेबंदियाँ ऐसी थी जो गैर हाजिर हुई हैं, जो कोर में नहीं शामिल थी, उनको बुलाने के लिए दूसरी बार रह के लिए हमने 24 तारीख की मीटिंग रखी है। लेकिन ये तय हो गया कि 26 जनवरी वाले दिन कोई ना कोई बड़ा प्रदर्शन ऑल इंडिया का होगा, वो हम करेंगे, लेकिन प्रदर्शन क्या होगा उनकी सहमति लेकर कहीं ही करेंगे, ये आज की मीटिंग में तय होगा। तो सर क्या आज हम बताएं, आज चार और तीन मांगे थी, चार पुरानी मांगे थी और तीन पिछली, वो जो पिछली मैं पहले बोल चुका हूँ, जो दिल्ली मोर्चे में रह रही मांगे थी उनको लेकर, और तीन मांग हमने और ऐड की है, किसानों का कर्जा, बीमा स्कीम और किसानों की पेंशन की, तीन मांग और ऐड की है। ये संयुक्त मोर्चे की मांगों के ऊपर वो मोर्चे की अगला एक्शन प्लान किया जाएगा। इंद्री नाच मंडी में भारतीय किसान यूनियन और गन्ना एक्शन कमेटी की एक संयुक्त मीटिंग हुई, जिसमें शुगर मिलों द्वारा गन्ने का भुगतान ना करने और सरकार द्वारा गन्ने का रेट निर्धारित ना करने के विरोध में रोष प्रदर्शन किया गया। और इस मौके पर किसानों ने सरकार की नीतियों के विरोध में नारेबाजी कर 12 दिसंबर को प्रदेश भर के सभी शुगर मिलों में 11 से 1 बजे तक 2 घंटे का सांकेतिक धरना देने का ऐलान किया। धरने के बाद किसानों की मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। हरियाणा की एक शुरू से ही बात रही कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा रेट रहे हरियाणा स्टेट के, और ये कहते भी हैं इनके मंत्री भी CM भी कि हमारा सबसे ऊपर रेट रहेगा। अभी केन कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में, उसमें भी अध्यक्षता कृषि मंत्री की थी, उसने ये बात कही थी जब उसे मांग करी भी रेट डिक्लेयर कर दो, उन्होंने कहा अभी दूसरे पड़ोस के जो राज्य हैं उनके रेट आ जाए दो, हम उनसे ऊपर देंगे। कोऑपरेटिव मंत्री है जो वो उद्घाटन पाया शुगर मिल के बनवारी लाल जी, उससे किसानों ने मांग करी भी आपने रेट निकाला, मिल चला दिया, उन्होंने कहा रेट देंगे सबसे ऊपर देंगे, हमने फाइल भेज दिया CM को, लेकिन वो फाइल हमारी कहाँ दबी पड़ी पता ही नहीं। अभी पंजाब ने 380 का रेट दे दिया, हरियाणा से 18 रुपये ऊपर हो गया हमारा 262 है, तो हमारा रेट पूरे भारत में जब सबसे ऊपर रहना चाहिए तो क्यों खट्टर सरकार सोई पड़ी है, डिक्लेयर कर दो। जरूरी है भाई भेड़ ने दूध दिया, मिंगणों भर का दिया, वो ऐसे दिया ऐसे नहीं दिया, रेट तो लेंगे इनसे, रेट बिना हमारा काम ही नहीं चलता, क्योंकि आज
महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, लेबर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पेप्टिसाइड के जो रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ गए, डीजल के रेट बढ़ गए, किसान को बारे नहीं खाता। कामगढ़ी खजूर में शमशान घाट में एक व्यक्ति का खून से लथपथ हालत में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की शव पर नजर पड़ी तो इसकी सूचना गरौना थाना पुलिस को दी गई। थाना प्रभारी दीपक कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। एफएसएल की टीम को साक्ष्य जुटाने के लिए मौके पर बुलाया गया। घटना स्थल के पास एक कस्सी भी मिली है। मृतक की पहचान गड़ी खजूर गाँव निवासी रंजीत के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की सरप्रस्ती में गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी व ज्योत म्यूजिक एकेडमी के उद्घाटन को समर्पित गुरमत समागम का आयोजन नूर महल चौक स्थित वीरू कॉलोनी सेक्टर 32 में आयोजित किया गया। इस गुरमत समागम में संत महापुरुषों ने पहुंचकर सात संगत को अपना आशीर्वाद दिया और इस अवसर पर सिंह साहिब ज्ञानी राजदीप सिंह, भाई गुरुदेव सिंह, सिंह साहिब ज्ञानी कुलविंदर सिंह जी सहित पहुंचे संत महापुरुषों ने गुरु घर में हाजिरी भरी और गुरु घर की खुशियां प्राप्त की। इस मौके पर रागी डाड़ी प्रचारकों ने शब्द गान कर अपनी मधुर वाणी से संगतों को निहाल किया। इससे पहले प्रातःकाल श्री खंडपाठ साहिब का भी भोग डाला गया और कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ज्योत म्यूजिक एकेडमी ट्रस्ट करनाल जो इस स्थान मिलिया बख्शिश की परमात्मा गुरु ने दिता है, एक ही दात तेरी दातार। सो उस दी आज आरंभता दे वास्ते जो उपराला किया एक गुरु रामदास महाराज जी ने अपने दल तो यह सब आशीर्वादा साढ़े वास्ते भेजिया ने। पहला सिंह साहब गुरु पंथ दे गुरु रामदास जी दे करदे अरदासिए। राजकीय महिला महाविद्यालय घरौंडा में महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य नरेश सिंह के सकारात्मक प्रोत्साहन और कुशल निर्देशन में भारतीय पारंपरिक ग्रामीण खेलों का उत्साह पूर्वक आयोजन किया गया। महाविद्यालय की प्राय सभी छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के खेले जाने वाले पारंपरिक भारतीय ग्रामीण खेलों को खेलकर खूब आनंद लिया। ग्रामीण खेलों की मुख्य विशेषता यह है कि इनके खेलने में किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं आता। चूंकि यह खेल बच्चों द्वारा बचपन में खेले गए होते हैं, इनको खेलने में बच्चों को कोई विशेष परिश्रम भी नहीं करना पड़ता। केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार भी इन खेलों को भरपूर प्रोत्साहन दे रही है। प्राचार्य ने खेलों के आनंदपूर्वक आयोजन के लिए सभी की सराहना की और भविष्य में इन उत्कृष्ट प्रदर्शन की कामना की। हरियाणा विज्ञान मंच की ओर से गांव स्टोंडी में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा विज्ञान मंच की टीम के सदस्य सुरेंद्र कुमार बस्ताड़ा ने की। मंच का संचालन ध्यान सिंह पूर्व कृषि विस्तार सलाहकार कृषि किसान कल्याण विभाग हरियाणा ने किया। देशराज लावला टीम सदस्य हरियाणा विज्ञान मंच ने गांव स्टोंडी में प्रशिक्षण शिविर लगाने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हरियाणा विज्ञान मंच ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रकार के जैसे खुम्बी पालन, किचन गार्डनिंग, फूड प्रोसेसिंग, बैकयार्ड पोल्ट्री, सहकारी खेती पर प्रशिक्षण आयोजित करा रहा है। हरियाणा विज्ञान मंच स्प्रे मजदूरों को कीटनाशक दवाइयों के स्प्रे के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी जागरूक कर रहा है। विशाल सिंह सरपंच गाँव स्टोंडी ने हरियाणा विज्ञान मंच की ओर से प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का स्वागत करते हुए बताया कि हमारे गांव की पंचायत ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण लेने के लिए हर प्रकार की सहायता करेगी। उन्होंने महिलाओं द्वारा मिलकर सहकारिता से खेती करने के लिए 5 एकड़ भूमि वर्ष 2023 में उपलब्ध कराने की घोषणा की। यमुनानगर में सुदर्शन फाउंडेशन द्वारा गांव बुढ़िया स्वास्थ्य केंद्र में एक आयुर्वेदिक चिकित्सा कैंप लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने दीप प्रज्वलित कर कैंप की शुरुआत की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश सप्रा जी और सीएमओ मंजीत सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक ने अपने संदेश में कहा कि हमें अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाना चाहिए, निरंतर गिलोय तुलसी का प्रयोग करना चाहिए। इस मौके पर 250 लोगों का चेकअप हुआ, 100 स्कूल के बच्चों का एनीमिया चेकअप हुआ और उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी।